बाबू हुसैन खान साहब 1930 में जिला जलंधर फगवाड़ा में पैदा हुए। बेसिकली ये फगवाड़े में पैदा हुए थे। इनके वाले साहब बहुत धुरपद गायक थे। पहले इन्होंने इन्हीं के इलाके थे बाबा मलंग खां मोहन वाले, उनसे भी कुछ तालीम ली, कुछ लोगों का ये कहना है। तो फिर तवक्कल खान साहब के भाई थे आशिक हुसैन हाशमी साहब, कुछ थोड़ा था उन्होंने बताया। तो वो एक रिकॉर्डिंग कंपनी में उन्होंने इनको बचपन में मुलाजिम करवाया। तो वहां से फिर ले जाकर बाबा हीरा लाल का शागिर्द करवाया दिल्ली में। तो फिर दिल्ली रेडियो पे मुलाजिम हो गए। मेरे वाले साहब के टोटल उनको मिला के 5 भाई थे, और भाइयों में सिर्फ यही थे जिनको शौक था तबले का। और उसके बाद फिर हम माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं, 4 बहनें 3 बेटे। मेरे वाले साहब ने सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो में सर्विस की, बकायदा बड़ा अच्छा उन्होंने वहाँ अपना एक नाम कमाया संगत के लिहाज से, सोलो के लिहाज से। मुझे यहाँ तक याद है कि एक दफ़ा इन्होंने बजाया सोलो, तो बड़े मियाँ त्रिकवा खान साहब सुना, उन्होंने खुद बताया, और लोग भी कहते हैं कि खान साहब उस वक्त गाड़ी में आए अपने और सुनने आए कि यार ये जो बजा रहा था ये कौन है बता, अहमद जान त्रिकवा खान साहब, वो खुद आए और उन्होंने चाहा कि मैं इस बंदे से मिलूँ कि यार ये। जब वालिद आए मेरे तो उन्होंने कहा जी ये मैं बजा रहा था, आवाज़ साहब की तो आए हैं यार, तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो। तो फिर तब वालिद साहब ने कहा कि जी अब अच्छा हो गया हूँ क्योंकि आपने कहा। तो उस वक्त कह रहे मेरा और हौसला बढ़ा। फिर माइग्रेशन के बाद उन्होंने आके यहाँ रेडियो भी मुलाजमत की, माशाल्लाह बड़ा अरसा उन्होंने, मेरे ख्याल 40-50 से ज़ायद उन्होंने खिदमत की रेडियो पाकिस्तान की। कि मैंने मियाँ साहब का नाम बहुत सुना था, वाले साहब ने जिक्र किया था कि एक मैदान में मैंने उनको सुना, तो उनका कुछ ऐसी गत थी, कोई बोल था जो मुझे जिसमें जैसे मुझे किसी ने हंटर मार दिया हो। तो तब से उन्होंने मतलब दिल चाहा कि मैं इस हस्ती का शागिर्द हूँ, मुझे मेरा शौक है। तो फिर उन्होंने बड़ी मोहब्बत से फिर वो पहले अबू को सुना और उसके बाद वो भी खुश हुए, फिर उन्होंने शागिर्द किया। उस मोटी उंगली को क्या पीस के उस शख्स ने मुलायम किया है, क्या खूबसूरत उसने, कि अगर उसे पता कि बदरुज़्ज़मां मेरी संगत का वो नहीं झेल पाता, तो उन्होंने अपना काम दिखाते हुए मेरी कमजोरियों में जहां जहां उन्हें खतरा है ना कि मैं कमजोर पड़ूंगा, वहां ठेके का मिजाज मेरे मिजाज के मुताबिक इतना खूबसूरत बना दिया कि मैं उससे बोल पकड़ लूं। रोशन आरा बेगम के साथ बजाते हुए देखा, उस्ताद नजाकत अली सलामत अली खान साहब के साथ बजाते हुए देखा, शरीफ खान साहब के साथ बजाते हुए देखा, अमानत अली फतह अली खान साहब के साथ बजाते हुए देखा। तो ये सब फनकारों के साथ उनके बजाने का तरीका मुख्तलिफ था, इतना तर्बो था उनकी प्लेइंग में कि वो हर फनकार को समझते थे कि इसके गाने को किस किस्म का तबले की जरूरत है कि जिसमें इसका गाना उजागर होता रहे। और अगर उन्हें पता है कि उस्ताद सलामत खान लहर से बहुत खेलने वाले बंदे उस्ताद सलामत अली खान, तो उन्होंने उस्ताद सलामत अली खान के मिजाज के मुताबिक उनके साथ संगत की है। उन्हें पता है कि उस्ताद फतेह अली खान पटियाले वाले ये बहुत लयकार हैं, बड़ी अच्छी लय देखते हैं, तो उन्होंने उस्ताद फतेह अली खान का मिजाज अलग रखा, उसके साथ अलग तरह की संगत, उस्ताद सलामत अली खान सबके साथ अलग संगत, और उस्ताद शरीफ खान जो तंतकार थे सितार बजाते थे उनके साथ सितार के मुताबिक संगत। अगर बहुत मजे से खुल के बजाया हूं तो वो सलामत अली खान साहब थे, कि हमारा लगता ही नहीं था कि एक फिक्स चीज़ है, बस जब तबीयत लग गई तो फिर एक आमद ही, हम सवाल जवाब ही एक दूसरे से स्टेज पे शुरू हो गए और घंटों गुजर जाते थे कि हमें पता नहीं लगता था ना थकन ना बोरियत। तो वो कह रहे थे मैं बड़ा खुश होकर मतलब खुल के बजाया, तो सलामत अली खान साहब के साथ में बजाया। तो शौकत साहब में ये बहुत एक क्वालिटी थी कि वो फौरन ही जो बजाने वाला या गाने वाला है मिजाज को समझ जाते थे, उसके अंग को, उसके चलन को समझ जाते थे और उसके मुताबिक फिर वो संगत करते थे। और संगत जो थी वो आला मयार की इसलिए भी थी कि एक तो खैर उनकी लय बहुत पुख्ता थी,
और दूसरी ये कि वो जो मेन परफॉर्मर था, जो गाने वाला था या बजाने वाला था, फौकियत उसी की रहती थी और ऐसा महसूस नहीं होता था कि शौकत साहब कहीं भी जो है वो फन का जो है वो बिला जवाज मुजाहरा कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है वाले साहब का फिल्म लाइन से, मेरा ख्याल एक दो फिल्म में उन्होंने जरूर बजाया है, लेकिन उस फिल्म में भी क्लासिकल अंदाज से उन्होंने सलामत अली खान साहब के साथ ही बाकायदा उन्होंने परफॉर्म किया है, सलामत अली खान साहब ने और वाले साहब ने। लेकिन एक बात तय है कि उस बंदे के मरने से पाकिस्तान में क्लासिकल म्यूजिक की साथ संगत का चैप्टर तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो उनकी उंगलियां माशाल्लाह काफी मोटी थी और गुदास थी और नरम हाथ था, जो अक्सर लोग कहते हैं कि तबले के लिए मौजू नहीं, लेकिन उन्होंने उस हाथ से जो सुर पैदा किया वो फिर उन्हीं का हिस्सा रहा, और तबले की जो आंस उनके दाएं बाएं में जो गूंजती रही वो आज भी हमारे कानों में महफूज है। पुराने दौर में तबलियों को पीछे बताते थे, ताज शौकत साहब ने जो तय किया हुआ था कि सिंगर के साथ क्लासिकल वाले के साथ बैठना, जिसके साथ भी मैंने बराबर बैठना वरना नहीं बैठना, मैंने बजाना ही। जहां तक वाले साहब की इनोवेशन क्रिएशन की बात की जाए तो मैं समझता हूँ उनका स्टाइल बड़ा स्टाइलिश था, बहुत खूबसूरत था। उस वक्त जब स्टाइलिश चीज का कोई इमेजिन नहीं था, उस वक्त उनकी एक क्रिएशन हुआ करती थी, फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने ऐसी बंदिशें बनाई जिनमें उनकी ज्यादातर आज बजेंगे वो जो शागिर्द बजा रहे हैं। तो सबसे जो ज्यादा उनका अंदाज मुझे पसंद था वो पढ़ने का था, बजाना तो लाजवाब था क्या कहने, लेकिन वो खुद भी फरमाया करते थे कि पढ़ना भी खूबसूरती है, ठीक है नहीं, जब आप बोल पढ़े तो वो भी लगे कि कोई फूल खिल रहे हैं, कोई ये नहीं कि वो सांस चढ़ा हो, उसमें भी क्लैरिटी हो। अब इजाजत दे तो मैं उनका पढ़ लूं, अब ये चीज मौत है, मतलब सांस को पॉज अगर छुपाना भी है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा नाम जिम्मी है जी, जेम्स है जिम्मी बना, मैं और साथ मियां शौकत साहब का शागिर्द हूँ। अबू के शागिर्द मैं समझता हूँ कि अगर सभी का नाम लेना शुरू करूँ तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन चंद शागिर्द हैं जिनको मतलब अबू भी खुश हुआ करते थे उनके, जिनमें सर फहरस तारी खान साहब हैं, जिमी है, अजमल हैं पिंडी से, और अला बख्श इरशाद पप्पू था, अला बख्श सजाद है जिसका बड़ा अच्छा नाम हुआ बड़ी संगत में भी सोलो में भी। वाले साहब माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मिडिल ईस्ट से देखकर पूरे यूरोप तक कोई ऐसा मुल्क नहीं जो उन्होंने ना छोड़ा हो, हर जगह उन्होंने परफॉर्म किया। मियाँ जो है जैसे बहुत बड़ी डिग्री कह लें जिसको हम कह सकते हैं कि उस्ताद तो एक लेवल हो गया, खान साहब भी एक लेवल हो गया, मियाँ जो है वो एक टॉप ऑफ द लिस्ट कह सकते हैं जो टाइटल्स में आ जाता है। मैं समझता हूँ कि सदारती अवार्ड से भी जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो उन्हें मियाँ साहब का जो टाइटल है वो मिला। उस्ताद तो वक्त के साथ साथ लोग आपको कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन मियाँ कोई कोई बनता है, जैसे मियाँ तानसेन, मियाँ अहमद जान त्रिकवा, मियाँ फकीर बख्श, मियाँ कादर बख्श, फिर उनके बाद जो मियाँ कहलाए वो इनको टाइटल मिला, उस्ताद मियाँ शौकत हुसैन। के चाहे उनके किसी के साथ लड़ाई है,
चाहे वो दोस्त है चाहे दुश्मन है, हर बंदे की ये ख्वाहिश थी कि वो उनके साथ संगत करें। शौकत हुसैन साहब के रवैये का मैं हमेशा से मुतकिद रहा कि जिस डिग्निटी के साथ उन्होंने हमेशा मिले और जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने दस्ते शफकत हमारे सर पर रखा, और वो मेरा ख्याल है कि अगर ज्यादा फनकार उस रवैये को अपनाएं तो क्लासिकल का माहौल, गायकी का और बजाने गाने बजाने का माहौल और जो नॉवल हो सकता है और एनरिच हो सकता है और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। आर्टिस्ट एक बहुत बड़े थे, इंसान भी उससे बड़े थे, जमीन पे पांव भी रखते थे कि जमीन को तकलीफ नहीं होती। वो खुद भी कहा करते थे कि मानने वाला मनवाता है, जब किसी को मानोगे तो कोई आपको मानेगा। आमतौर पे फनकार ऐसे होते हैं कि वो अपनी बात बहुत करते हैं, कहते हैं कि हमसे बेहतर तो कोई काम ही नहीं करता। मैंने नहीं कभी सुना कि शौकत साहब ने कभी अपनी तारीफ की हो। या शौकत साहब में एक और क्वालिटी बड़ी थी, कमगो बहुत थे, बात नहीं करते थे ज्यादा। और दूसरा ये कि वो कभी मैंने नहीं देखा उन्हें कोई खुशामद करते हुए किसी की। वरना आमतौर पर यह होता है कि जो पेट्रन होता है, चाहे वो टेलीविजन या रेडियो का प्रोड्यूसर हो या कोई बहुत अमीर आदमी हो या आर्ट्स काउंसिल का हो या कोई सियासतदान हो, वजीर हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, तो उसकी खामखा खुशामद करते हैं आर्टिस्ट। मैंने नहीं कभी शौकत साहब को देखा सुना कि वो बिला जवाज वो किसी की तारीफ कर रहे हैं और खुशामदी लहजे में कर रहे हैं। काफी उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी थी, कुछ तवज्जो ना दी, जिसका सारा असर उनकी किडनी पे हुआ। फिर काफी अरसा बीमार भी रहे वो 8-9 माह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कभी अपने वालिद को कभी भी तंग दस्ती में मैंने नहीं देखा, मरते दम तक ने उनको देखा। उनका जो इलाज हुआ उन्होंने खुद ही करवाया अपना, कभी नहीं हुआ कि कभी वो बड़े परेशान और फारिग बैठे हों, बीमारी में भी वो फ्रेश ही नजर आए हमेशा। वफात हुई 1996 में 26 जनवरी, और बल्कि 25 जनवरी 1996, हाँ, बस वो एक नाकाबिले बर्दाश्त सालिहा था जो आज तक हम उसको याद करते हैं। दा 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 दा